दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज यदि भारत में ग्रेट इंडियन राइनोसोरस वजूद में है तो इसका श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन वही हैं जो बंगाल के विभाजन करने के लिए जाने जाते हैं। बात है साल 1904 की, जब इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की पत्नी लेडी मैरी विक्टोरिया कर्जन ने वर्ल्ड फेमस जानवर राइनो को देखने का मन बनाया। राइनो देखने के लिए लेडी कर्जन काजीरंगा भी गईं, पर वो एक भी गेंडे को देखने में विफल रहीं और केवल हूफ मार्क्स यानी पैरों के निशान ऑब्जर्व करके वापस आ गईं। इसी वक्त नोटेड असमीज एनिमल ट्रैकर बलराम हजारिका जी ने लेडी कर्जन को काजीरंगा क्षेत्र दिखाते हुए वहां के वन्य जीवों के तत्काल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। राइनोसोरस की घटती संख्या से चिंतित लेडी कर्जन ने अपने पति से राइनोसोरस को बचाने के लिए नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कहा और 1 जून 1905 को काजीरंगा, जो कि एक हंटिंग ग्राउंड था, उसे अब 232 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैले एक रिजर्व फॉरेस्ट में बदल दिया गया।